या दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पोको X2 का कंप्लीट रिव्यू। और ये दोस्तों फोन है ना बहुत ज्यादा हाइप के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन क्या वो जो हाइप है वो सच में है? क्या ये उतना ही दमदार फोन है जितना कि कंपनी इसे बताती है? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में जहां पे हम करने जा रहे हैं दोस्तों इसका फुल ऑन रिव्यू विद प्रोज एंड कॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों इस फोन को जितने दिन मैंने यूज किया है तो इसका जो फॉर्म फैक्टर है मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, थोड़ा सा बल्की लगा। अब इसका दोस्तों जो ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक है, बट ग्लास बैक के कारण और वो जो बैटरी है उसके कारण यहाँ पे दोस्तों जो हेवीनेस है वो मुझे अच्छी खासी पता चली है। एंड वो दोस्तों जो हेवीनेस है और वो जो बल्कीनेस है वो अगर आप कवर लगाते हो तो और ज़्यादा दिखता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ग्लास बॉडी मिलती है, P2i कोटिंग मिल जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोस्तों आपको ग्लास बैक मिलता है जो कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, स्मज वगैरह आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखते हैं, तो या तो आपको इस डिवाइस को बहुत ही प्यार से दुलार से एकदम संभाल करके रखना है या फिर आपको इसमें केस या कवर चढ़ाना है। अब इस फोन के साथ दोस्तों जो कवर मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लिम्सी है एंड इतना बढ़िया लगा नहीं मुझे। तो आपको मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा जहां से आप बढ़िया कवर्स खरीद सकते हैं अपने पोको X2 के लिए। लेकिन ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बताऊं तो इस डिवाइस को 200 यूसेज के लिए बनाया गया है, 100 यूसेज के लिए एकदम भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों जो पंच होल कैमरा है वो डिज़ाइन का ही पार्ट है ऑफकोर्स, और वो जो साइड में आपको दो कैमराज हैं मुझे बेसिकली ज़्यादा बेटर लगे। एंड इसके बारे में दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले में और बताऊंगा। तो दोस्तों इस डिवाइस में आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, गुड थिंग। एंड अगर आपको दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड चलाना है तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। एंड आप 256 GB तक का जो फ़ोन है जो वेरियंट है वो खरीद सकते हो, तो उसमें आपको दोस्तों उतना सोचने की बात नहीं है कि भाई अब मैं मेमोरी कार्ड कहाँ डालूंगा। लेकिन अगर आप एकदम लोएस्ट वेरियंट खरीदते हो तब ये बात सोचने की है। अब टाइप सी का दोस्तों चार्जिंग पोर्ट है, आपको यहाँ पे स्पीकर भी दोस्तों एक सिंगल स्पीकर मिल रहा है, डुअल स्पीकर नहीं मिलता है। एंड एक 3.5 mm जो ऑडियो जैक पोर्ट है वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल पोर्ट्स वगैरह सही हैं, बेसिकली एवरीथिंग वर्क्स। एंड बस यही बात है कि भाई प्रीमियम फीलिंग है, ग्लास बैक है, बट दोस्तों उसमें क्या ना कि आपको थोड़ा सा वेट लगेगा जब आप यूज़ करोगे, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार काश ये फ़ोन थोड़ा सा हल्का होता है, थोड़ा सा स्लिम होता। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। एंड यहाँ पे देखो बहुत अच्छी खासी कंट्रोवर्सी चल के रखी है, बिकॉज किसी को चाहिए एमोलेड डिस्प्ले एंड किसी को चाहिए हाई रेफ्रेश रेट। लेकिन आपको दोस्तों इस पर्टिकुलर डिवाइस में सिर्फ हाई रेफ्रेश रेट मिलता है बट एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, और इसी के कारण आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल रहा। सो बेसिकली आप 60Hz और 120Hz में डिस्प्ले चूज कर सकते हो। एंड 120Hz दोस्तों बहुत प्यारा मक्खन माफिक लगता है। एंड ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर इसको हैंडल नहीं कर पाता है, बिकॉज बहुतों को लगता है कि यार ये प्रोसेसर इसे हैंडल कर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीडे यूसेज में बहुत सही था। बट हाँ जो दोस्तों बैटरी कंजम्पशन है वो अच्छी खासी यहाँ पे ज़्यादा होती है अगर आप 120Hz पे रखते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे कोई ऑप्टिमाइजेशन का तरीका नहीं मिला मुझे, जहाँ पे ये है कि भाई मैं कुछ कुछ ऐप्स जब लॉन्च करूँ तब अपने आप 120Hz हो जाए एंड वापस से जब होम स्क्रीन पे आऊँ तो 60Hz हो जाए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता ना तब ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता मेरे ख्याल से ये डिस्प्ले। वैसे अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो ऑफकोर्स एमोलेड जितने दोस्तों एक्यूरेट कलर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ब्लैक लेवल्स हैं वो भी ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना वो कमी रह गई। ऑफकोर्स कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा है लेकिन सुपर एमोलेड एंड एमोलेड डिस्प्ले से आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों जो पंच होल है ना जो टॉप राइट हैंड साइड में वो भी ब्लेंड हो जाता है, एंड मुझे दोस्तों बेसिकली वो नॉर्मल नॉचेस से थोड़ा बेटर लगा। एंड पॉपअप कैमरा देखो अपनी अपनी बात है, अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिस्प्ले 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो का वहाँ पे वो छोटा सा पंच होल डिस्प्ले इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ओवरऑल वे बात है दोस्तों, हर किसी का मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, अगर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में चाहिए तब आपको एमोलेड डिस्प्ले को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। दोस्तों ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता है, स्क्रैच वगैरह अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात है तो लॉन्ग टर्म रिव्यू का वेट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन और वो बगल में जो घंटे का आइकन है ना उस पर टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो डिस्प्ले वाइज ठीक है, डिजाइन वाइज पता चल गया, लेकिन भाई परफॉर्मेंस कैसी है? जी हाँ, 730G है, उसके साथ दोस्तों आपको LPDDR4X रैम मिलता है, तो वहाँ पे क्या है ना आप आराम से गेम खेल सकते हो, लाइक मक्खन माफिक गेम चलेंगे। एंड लिटरली ये जो डिस्प्ले है इसका जो साइज है इसमें दोस्तों गेम खेल करके मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पे एक बात है कि 730G होते हुए भी ना जो कैपिंग है वो 40fps पे है आपके पबजी की। अब यहाँ पे दोस्तों आप अनलॉक कर सकते हो 60fps तक का गेम ये आराम से चला लेगा, बट ये
क्या होता है ना कि बाई डिफॉल्ट अगर नहीं मिले ना तो कहीं कहीं लगता है कि यार कहीं बैन ना हो जाए वो टूल्स यूज़ करने के लिए। तब मैं यही बोलूँगा कि भाई आगे अपडेट में अगर डिवाइस या फिर कंपनी वाले अगर पबजी के साथ काम कर ले और इसमें अगर वो कैपिंग हटा दे तो बहुत बढ़िया बात होगी। इसके अलावा दोस्तों ऐप लॉन्च स्पीड बहुत ही बढ़िया है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, OS वगैरह में आपको पता ही है नोटिफिकेशंस आते हैं, वो चीज़ें आती है, मतलब इधर उधर की नोटिफिकेशन। जैसे अगर आप वीडियो प्लेयर खोल रहे हो तब वहाँ पे दोस्तों आपको फालतू के वीडियो रिकमेंडेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो हालांकि ऑन द फेस एड्स नहीं है लेकिन यहाँ पे इरिटेट कर देंगे उस तरीके के दोस्तों आपको रिकमेंडेशंस देखने को मिल जाएंगे। ऑफकोर्स आप उसे बंद कर सकते हो लेकिन कितनी बार बंद करोगे, बिकॉज जैसे ही एक बार सिस्टम अपडेट आता है ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों रीसेट हो जाती है। एटलीस्ट फॉर मी, मैंने पोको में नहीं देखा, मैंने दूसरे शाओमी के डिवाइसेस में देखा है। वैसे इसके दोस्तों मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताऊंगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इन सारे एड्स और नोटिफिकेशंस के बीच में। बेसिकली परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको गेम्स खेलने चलेंगे, अगर आपको ऐप लॉन्च स्पीड चाहिए वो आपको मिलेगा, बट हाँ आपको बीच बीच में वो जो नोटिफिकेशन है उनके साथ रहना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरे के बारे में। वैसे कैमरा मुझे इस फोन का बहुत बढ़िया लगा, क्लैरिटी दोस्तों आपको अच्छी मिल जाती है अगर आप डे लाइट शॉट्स देखो, डायनेमिक रेंज भी बहुत बढ़िया है। बेसिकली दोस्तों हमने इस पर्टिकुलर फोन के ना बहुत सारे कैमरा कंपैरिजंस ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना, बिकॉज कंपैरिजन में सच में पता चलता है कि भाई कैमरा कैसा है। अब एक बात है, जब आप इस पर्टिकुलर फोन को डिफॉल्ट मोड में यूज करते हो तो आपको क्लैरिटी तो अच्छी मिलती है लेकिन सैचुरेशन भर भर के मिलता है। तो अगर आपको सैचुरेशन इतना नहीं चाहिए, आपको कैमरे के सेटिंग्स में ही ऑप्शन मिल जाएंगे जहां पे आप सैचुरेशन बाय डिफॉल्ट कम कर सकते हो, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है Xiaomi कैमरे का। जी हाँ, अगर आप दूसरे किसी भी फोन को देख लो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि भाई सैचुरेशन अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लो बाय डिफॉल्ट। अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसमें वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं एंड आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इवन 4K में भी दोस्तों थोड़े बहुत स्टेबल वीडियोज आपको देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स ओवर द ईयर अपडेट्स में कैमरा और बेटर हो सकता है एंड मैं यही बोलूंगा कि भाई इस कैमरे को सोनी IMX686 को और बेटर कर सकते हैं पोको वाले, जो मैं आगे फुल टर्म रिव्यू में देखना चाहूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मैक्रो कैमरा मिलता है, वाइड एंगल कैमरा मिलता है एंड इवन नाइट फोटोज आर रियली गुड। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको डिटेल में जानना है तब आप कंपेरिजन जरूर देखिएगा। एंड हमने दोस्तों हमारे इंग्लिश चैनल में भी कंपेरिजन कर रखा है तीन फोन्स का, तो उसके भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों एक बात और बताऊंगा कि यहाँ पे पोको X2 के ना बहुत सारे जो OTS हैं, जो कस्टम रोम्स हैं ना, वो भी रेडी हो चुके हैं, जिसमें आपको डिफरेंट गूगल कैमरा और पूरा का पूरा आपको डिफरेंट OS देखने को मिलेगा। तो वो पोको की अच्छी बात है कि यहाँ पे कर्नल सोर्स उन्होंने रिलीज कर दिया और आप बाकी के जो कस्टम रोम्स हैं वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद नेटवर्क वगैरह की बात कर लेते हैं, बिकॉज फ़ोन का काम फ़ोन करना ही है, राइट? तो आपको यहाँ पे नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने सारे के सारे सिम कार्ड्स तो नहीं यूज़ करता, जो मेरा सिम कार्ड है जो मेरा नेटवर्क है मैंने यूज़ किया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझको नहीं देखने को मिली है। वाईफाई वगैरह भी बहुत बढ़िया काम करता है एंड अगर मैं ऑडियो आउटपुट के बारे में बोलूँ तो स्पीकर से मुझे लगा कि यार लाउडनेस ठीक है लेकिन और बेटर हो सकती थी, एंड ईयरफोन्स वगैरह में भी मैं बोलूँगा एवरेज है। जी हाँ, और बेटर परफॉर्मेंस मुझे चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको वाईफाई कॉलिंग मिल जाती है एंड अगर आपका नेटवर्क वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करता है तो आप वहाँ पे यूज कर पाएंगे। वैसे दोस्तों अगर मुझे इस पर्टिकुलर फोन की एक चीज बहुत अच्छी लगी तो वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड ये दोस्तों पावर बटन है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली बहुत टाइम तो मुझे फेस अनलॉक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे मैंने अपने इंडेक्स फिंगर या अपने थंब से दोस्तों इसका पर्टिकुलर पावर बटन दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है एंड ऐसा पता भी नहीं चलता कि यार फेस अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ। तो बेसिकली वो बहुत सीमलेस लगा एंड फेस अनलॉक अपने आप में भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इस यहाँ पे आपको मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट है ना, यू विल गेट यूज टू इट, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि यार पावर बटन में फिंगरप्रिंट कैसा रहेगा क्या रहेगा, बट हमारे पास क्या है ना दोस्तों, हम ह्यूमंस है ना, मसल मेमोरी में एक बार एक चीज़ को अगर अंकित कर लेना तो वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है। तो जैसे एक हफ्ता मैंने इस फोन को यूज़ किया तो उसके बाद मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आई एम श्योर आपको जाकर के भी जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस वगैरह सबके बारे में बात कर ली, लेकिन बैटरी कैसी है यार? तो बैटरी दोस्तों यहाँ पे ले दे करके एक दिन चल जाएगी अगर आप 120 हर्ट्ज में यूज़ करते हो, एंड ये दोस्तों चलो गेमिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब मेरे पर्टिकुलर यूसेज में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, जब मैंने 60 हर्ट्ज में यूज़ किया बैटरी आराम से चल रही थी एंड 120 हर्ट्ज में हाँ बैटरी थोड़ी ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, लेकिन जो इसका दोस्तों जो 27 वॉट का चार्जर है ना वो बहुत इंप्रेसिव लगा, बिकॉज आप इस पर्टिकुलर फ़ोन को 1 घंटे 5 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो और सिर्फ
25 मिनट में दोस्तों ये 50% से भी ज़्यादा चार्ज हो जाता है, लगभग 60% तक चार्ज हो जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो भी रही है तब मैं इसे जल्दी से जल्दी चार्ज कर लेता, तो बैटरी वाइज सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फ़ोन चलेगा एक दिन तो आराम से चलेगा एंड चार्ज भी बहुत जल्दी होता है। सो बेसिकली दोस्तों मेरे वर्डिक्ट पे आते हैं, एंड मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा, थोड़ा सा बल्की है ऑफकोर्स, लेकिन वो ग्लास बिल्ड अगर आपको चाहिए तब आपको दोस्तों वो बल्कीनेस मिलेगी इस पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर में। दूसरी बात है दोस्तों, 100 यूसेज के लिए फ़ोन एकदम भी नहीं है, ये बेसिकली गेमर्स के लिए है जिन्हें दोस्तों बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने हैं। जी हाँ, पोको मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट गेमिंग एंड परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड कैमरा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर फोन को आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल जीटी इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा करते हुए गुड बाय।